बच्चों, आज हम शरीर में द्रवों के परिसंचरण के अंतर्गत इसके अगले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने जो अकशेरुकी होते हैं उनमें परिसंचरण किस प्रकार होता है उसके बारे में, फिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। आगे हम जो कार्डेट्स हैं, कशेरुकी जो जंतु हैं, उनमें परिसंचरण किस प्रकार होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक के जो है विभिन्न जो अकशेरुकी प्राणियों में जो उनके शरीर में जो है द्रवों का सर्कुलेशन जो है ना, किस माध्यम से हो रहा है, विसरण के माध्यम से हो रहा है या फिर अंगों के माध्यम से हो रहा है, ये आपने जो है देख लिया है। जो कशेरुकी जंतु होते हैं वो विकसित, जितने भी विकसित जो कशेरुकी हैं उनमें परिसंचरण के कार्य को जो है संपन्न कराने के लिए बहुत सारे अंगों का समूह जो है उन जीवों के शरीर में उपलब्ध होता है, मौजूद होता है। उन अंगों के समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों को शरीर में पाए जाने वाले रुधिर या फिर लसिका के माध्यम से शरीर की विविध कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसके लिए शरीर में धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं और रुधिर है। ठीक है, तो रुधिर और जो रुधिर जो है हृदय के माध्यम से, हृदय रुधिर के साथ जो आवश्यक जो भोज्य पदार्थ होते हैं है ना, और आवश्यक जो ऑक्सीजन और जो हार्मोन्स है वो रुधिर के साथ मिलकर परिसंचरण हृदय और फिर हृदय से निकलने वाली जो धमनियां हैं और सिरा हैं उनके माध्यम से शरीर के विविध भागों में जाता भी है और शरीर के कोशिकाओं से कलेक्ट होकर वापस हृदय की ओर आता है। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में जो रुधिर प्रवाहित होता है वो ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन विहीन, मतलब ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन दोनों प्रकार का बहता है। कब ऑक्सीजन युक्त बहता है? हृदय से जब शरीर के अंगों की ओर रुधिर जो है सर्कुलेट होता है या परिसंचरित होता है तो उस समय जो रुधिर जो है सर्कुलेट हो रहा है या परिसंचरित हो रहा है वो किस प्रकार का होता है? ऑक्सीजन युक्त। लेकिन जब शरीर के कोशिकाओं में जाता है तो शरीर के कोशिकाओं में उपापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। वही वर्ज्य पदार्थ उस रुधिर में जब मिल जाता है तो उस रुधिर को हम कहते हैं अशुद्ध रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं रहती, तो ऑक्सीजन विहीन हो गया। वो ऑक्सीजन विहीन रुधिर वापस सिराओं के माध्यम से कहाँ आता है? फेफड़ों में, हृदय में आता है और हृदय से उसको फेफड़े में जो है शुद्धिकरण के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो शुद्धिकरण का कार्य कहाँ हो रहा है? फेफड़े में। और पंपिंग का कार्य कहाँ होता है? आपके शरीर में पाए जाने वाले हृदय में। हमारा जो हृदय है ना, मनुष्य की अगर हृदय की बात करें या किसी भी जो विकसित जो कार्डेट्स है उसके शरीर में पाए जाने वाले हृदय के बारे में बात करें तो उसकी जो पेशियां होती हैं विशेष प्रकार की हृदयक पेशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो अनवरत बगैर थके क्या कर रहे हैं? कार्यशील हैं, पंपिंग कार्य कर रहे हैं। कशेरुकी जंतुओं में परिसंचरण तंत्र जो है ना, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो रुधिर और दूसरा लसिका। तो लसिका परिसंचरण तंत्र का माध्यम होता है लसिका और रुधिर परिसंचरण तंत्र का माध्यम होता है रुधिर। ठीक है, अर्थात इनके माध्यम से, मतलब रुधिर के माध्यम से हो या लसिका के माध्यम से हो, आवश्यक जो भोज्य पदार्थ होते हैं है ना, और ऑक्सीजन है या हार्मोन्स है इत्यादि को शरीर की विविध कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसके लिए जो प्रमुख जो परिसंचरण अंग होता है जीवों में, सॉरी जंतुओं में, वो होता है कौन? हृदय। ये हृदय क्या कर रहा है? पंपिंग का कार्य कर रहा है ना, और इसकी जो पेशियां हैं वो संकुचित हो रही हैं और शिथिल हो रही हैं लगातार है ना। तो इसके संकुचन और शिथिलन के परिणाम स्वरूप इसमें भरा हुआ रुधिर शरीर के विविध अंगों में और विविध अंगों में जो अशुद्ध रक्त है वापस हृदय में क्या हो रहा है? आ रहा है और जा रहा है। अब चूंकि कशेरुकियों के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनकी जो शारीरिक संरचना जो है वो अलग अलग है, क्या सभी कशेरुकी एक समान दिखते हैं? नहीं दिखते है ना। जो कशेरुकी जंतु हैं क्या सभी एक समान दिखते हैं? नहीं दिखते। तो कशेरुकियों के जो है दो सुपर क्लास हैं, अधिवर्ग हैं दो है ना, एक पीसीस और दूसरा टेट्रापोडा। तो पीसीस के अंतर्गत जितने भी मछलियां हैं वो आते हैं। तो मछलियों में हृदय किस प्रकार का होता है इसको देख लेते हैं। मछलियों का हृदय, मछलियों का जो हृदय है वो दो कोष्ठों का या दो चैम्बर का
बना होता है। मछलियों का हृदय जो है कितने कोशों का बना रहता है? दो, क्योंकि ये जो है टेट्रापोडा से कम विकसित जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनका हृदय का जो विकास तो हुआ है लेकिन कितना कोष्ठों का बना हुआ है? दो कोष्ठों का। मछलियां जो है दो प्रकार के होते हैं, हृदयक मछलियां जिनको कहते हैं उन्हीं में हृदय पाया जाता है, मतलब ऐसी मछलियां जिसको पानी से बाहर निकाल दें और कुछ समय तक वो जीवित रह सकते हैं, उन्हीं में हृदय का विकास हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वो जो हृदयक जो मछलियां हैं उनमें जो हृदय है वो कितने कोष्ठों का बना हुआ है? दो कोष्ठ, जिसमें से एक होता है आलिंद और एक उसमें पाया जाता है नीलय। एक आलिंद होता है और एक नीलय होता है, ठीक है। आलिंद का कार्य होता है शरीर के जितने विविध कोशिकाओं में बने हुए अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त जो है सबसे पहले कहाँ आएगा? आलिंद में आएगा, और आलिंद से वो कहाँ जाएगा? गलफड़े में, है ना, क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता, फेफड़े नहीं होता, फेफड़े के स्थान पर कौन मुख्य श्वसनांग का कार्य करता है? गलफड़े, गिल, स्लिट्स, मछलियों के जो गले में छिद्र होता है वो, है ना। तो उस गल्फ आलिंद से वो कहाँ जाएगा? गलफड़े में, और वहाँ वो रुधिर जो है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन युक्त होगा, मतलब ऑक्सीजन उसकी गलफड़े में जो संरक्षित जो ऑक्सीजन है उसमें उपस्थित जो रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः कहाँ आएगा? नीलय में, और नीलय से शरीर के विविध अंगों में क्या कर देगा? पंप कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मछलियों में क्या होता है? रुधिर का परिसंचरण होता है या द्रवों का परिसंचरण होता है। दूसरा हम देखते हैं टेट्रापोडा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनमें, तो टेट्रापोडा के अंतर्गत पहला, सबसे पहला वर्ग है उभयचर। उभयचरों में उभयचर जंतुओं का हृदय या उभयचरों का हृदय या एम्फीबियंस का हृदय, है ना, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों में जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे मेंढक, है ना, जैसे मेंढक पानी में भी रह सकता है वो, और पानी के बाहर भी वो रह सकता है। तो ये जो एम्फीबियंस होते हैं या उभयचर होते हैं, इनका जो हृदय होता है वो तीन कोष्ठों का बना रहता है। कितने कोष्ठों का बना रहेगा? तीन कोष्ठ, जिसमें से दो आलिंद होता है इनमें, है ना, और एक इनमें नीलय होता है। जो उभयचर होते हैं एम्फीबियंस होते हैं उनमें आलिंद कितने होते हैं? दो, और एक नीलय होता है। लेकिन इसमें दो आलिंद तो हैं, लेकिन एक आलिंद ही पूर्ण रूप से विकसित है और एक आलिंद क्या है? अपूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित नहीं है, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होगा? आलिंद का कार्य है रक्त को कलेक्ट करना और नीलय का कार्य है रक्त को धकेलना, है ना। तो यहाँ पे जो आलिंद होते हैं, है ना, इनमें पहले, सबसे पहले जो जो पहला आलिंद होगा वो आलिंद में शरीर के विविध अंगों का रुधिर क्या होगा? कलेक्ट होगा और पंपिंग क्रिया द्वारा उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? फेफड़े में, है ना। मेंढक में क्या पाया जाता है? फेफड़ा, तो फेफड़े में भेजा जाएगा, और फेफड़े में जिससे जो अशुद्ध रक्त है वो पुनः कहाँ आएगा? नीलय में आएगा, है ना, और नीलय से शरीर के विविध अंगों में उसको क्या कर दिया जाता है? सर्कुलेट कर दिया जाता है या परिसंचरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार उभयचरों में क्या होगा? रुधिर का परिसंचरण होगा। फिर अगला वर्ग है सरीसृप। सरीसृप का हृदय, जो सरीसृप प्राणी होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, किनको कहते हैं रेप्टाइल्स? ऐसे जीव जो जमीन पर घसीट कर चलते हैं। कौन कौन से जीव जमीन पर घसीट कर चलते हैं? सर्प है, छिपकली है, है ना, सर्प को तो बहुत कम देखे होंगे लेकिन छिपकलियों को रोजाना देखते हैं,
तो किस श्रेणी में आते हैं? वो सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। जमीन पर वो उनका पूरा नीचे जो निचला हिस्सा जो होता है वो चिपका हुआ होता है, घसीटते हुए वो चलता है। तो इनका जो हृदय होता है, जो अविकसित जो सरीसृप होंगे, है ना, इनका हृदय तीन कोष्ठों से बना रहता है, या इनमें जो कोष हृदय पाया जाता है उसमें चेम्बर्स कितने होते हैं? तीन, जिसमें से कितने आलिंद होंगे? दो आलिंद और एक नीलय पाया जाता है। इनमें जो दो आलिंद है वो दोनों आलिंद पूर्ण रूप से विकसित होता है और एक नीलय ये भी पूर्ण रूप से विकसित है। और जो विकसित सरीसृप होता है ना, जैसे 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 सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जो प्राथमिक जीव हो गए उनमें हृदय कितने कोष्ठों का बना रहेगा? तीन कोष्ठों का। लेकिन जो विकसित सरीसृप होंगे, है ना, विकसित सरीसृप, इनमें जो हृदय जो होता है वो चार कोष्ठों का बना होगा, मतलब उसमें चार कोष्ठ होंगे लेकिन चौथा कोष्ठ मतलब आलिंद जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो चार कोष्ठ हैं तो हृदय के हृदय से उसकी स्थिति के आधार पर, है ना, जो दाई ओर है उसको क्या बोलेंगे? दाया आलिंद, और बाई ओर जो आलिंद है उसको क्या कहेंगे? बाया नीलय। उसी प्रकार बाया आलिंद, है ना, उसी प्रकार नीलय, जो दाई ओर नीलय है उसको क्या कहेंगे? दाया नीलय, और बाई ओर जो नीलय है उसको क्या कहेंगे? बाया नीलय। ठीक है, जैसे चार कोष्ठ हो गए तो क्या होगा? दो आलिंद होगा और दो नीलय होगा। तो दो आलिंद एक ही साइड नहीं है, बल्कि एक आलिंद दाएं भाग में है तो दूसरा आलिंद बाएं भाग में। उसी प्रकार जो नीलय जो है दोनों एक साइड में नहीं है, बल्कि एक किस दाएं भाग में होगा और दूसरा बाएं भाग में। इस प्रकार से इनकी कोष्ठों की संख्या कितनी हो जाती है? चार। लेकिन चौथा जो विकसित तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, है ना, किसमें? सरीसृपों में। अगला देखते हैं हम स्तनियों और पक्षियों और स्तनियों में। पक्षियों और स्तनियों का हृदय, जो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जितने भी पक्षियां हैं और जितने भी स्तनधारियां हैं, इन सभी जीवों में जंतुओं में जो है हृदय चार कोष्ठों का या चार लोबों का या चार चेंबर्स का बना रहता है। चार कोष्ठ मतलब चार कोष्ठों का होगा, जिसमें से दो होंगे आलिंद और दो होगा नीलय। ठीक है, इसमें से एक जो आलिंद जो है बाया भाग में पाया जाता है उसको बाया आलिंद, और जो आलिंद दाया भाग में पाया जाता है उसको दाया आलिंद। उसी प्रकार बाया भाग में पाया जाने वाले नीलय को बाया नीलय, और दाया भाग में पाया जाने वाले नीलय को क्या कहेंगे? बाया नीलय कहेंगे। ठीक है, आलिंदों में क्या होता है, जो पहले सबसे पहले जो राइट ऑरिकिल में, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑरिकिल, और इसको कहा जाता है वेंट्रिकिल, ऑरिकिल, और ये हो गया वेंट्रिकिल। तो जो राइट साइड में ऑरिकिल है, है ना, वो राइट साइड में उपस्थित जो ऑरिकिल में क्या किया जाता है? शरीर के विविध अंगों के द्वारा कलेक्ट किया हुआ जो अशुद्ध रक्त है, रुधिर है ना, वो अशुद्ध रुधिर प्री केवल और पोस्ट केवल के माध्यम से कहां आता है? राइट ऑरिकिल में आएगा, है ना। राइट ऑरिकिल जो है किससे जुड़ा हुआ है? राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। उस राइट वेंट्रिकल में और राइट ऑरिकिल के बीच एक वाल्व होता है, उस वाल्व को क्रॉस करके रुधिर कहां आ जाएगा?
नीलय में आ जाएगा है ना, या वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल से शरीर कहाँ भेजा जाता है उसको शुद्धिकरण के लिए, दैहिक महा जो धमनियां हैं उसके माध्यम से शरीर के शरीर में उपस्थित जो फेफड़े हैं उस फेफड़े की ओर रुधिर को जो है शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है, है ना। और जब रुधिर जो है शुद्ध हो जाता है या ऑक्सीजन युक्त हो जाता है तो उसको वापस महाशिराओं के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है, फिर से आलिंद में। कौन सा आलिंद में अब पहुँचाया जाएगा, बाया आलिंद में या बाया लेफ्ट ऑरिकिल में। लेफ्ट ऑरिकिल से उसको ट्रांसमिट किया जाता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब संकुचन होगा तो पूरा उसमें भरा हुआ रुधिर कहाँ चला जाता है, शरीर के शरीर में उपस्थित जो महाधमनियाँ हैं उन महाधमनियों में। तो इस तरीके से जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी वर्ग के जीव होते हैं उसमें उनका जो हृदय जो होता है वो चार चैम्बर्स का बना रहता है और फिर रुधिर का जो है परिसंचरण या द्रवों का परिसंचरण होता है। अब हम देखते हैं मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, तो मनुष्य जो है विकसित जंतु श्रेणी में आता है, इसलिए मनुष्य के शरीर में जितने भी ऑर्गेनल सिस्टम होते हैं है ना, मतलब अंग तंत्र होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो मनुष्य में जो है शरीर में पाए जाने वाले द्रवों के परिसंचरण के लिए दो प्रकार के तंत्र परिसंचरण तंत्र जो है कार्यशील है, क्या क्या, एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र का माध्यम होता है रुधिर, ठीक है, और लसिका परिसंचरण तंत्र का माध्यम होता है लसिका, ठीक है। और दोनों का कार्य होता है शरीर के विविध भागों में पाए जाने वाले या शरीर के विविध अंगों में पाए जाने वाले विशिष्ट जो आवश्यक जो कार्बनिक पदार्थ होंगे या फिर जो भोज्य पदार्थ होंगे या ऑक्सीजन हो गए हार्मोन्स होगा उसको हृदय से शरीर के विविध अंगों में पहुंचाना और शरीर के विविध अंगों में जो सजीव पदार्थ है उसको वापस हृदय तक लाना, ये दोनों का कार्य होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा रुधिर और लसिका, इन दोनों में क्या अंतर है, रुधिर का जो छना हुआ रूप जिसमें आरबीसी की संख्या नहीं पाया जाता वो कहलाता है लसिका, ठीक है। तो ये भी बंधवाहिनी में बहता है और ये भी बंधवाहिनी में बहता है। तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, बंध परिसंचरण तंत्र। अब यहां पर देखते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। पहला रुधिर परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है जिसमें प्रमुख जो परिसंचरण अंग हृदय कहलाता है, ठीक है। मतलब मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है हृदय और धमनी तथा शिराओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने पहले ही पढ़ा है कि हृदय से पहले सबसे पहले महाधमनी निकलता है ना, वो महाधमनी आगे चलकर कई सारे शाखाओं में विभक्त हो जाता है जिनको क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। वो धमनियां आगे चलकर धमनिकाओं में बदल जाता है और वो धमनिकाएं जो है फिर पतली पतली सी नली बनाते हैं जिसको कहते हैं केशिकाएं या कैपिलरीज, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया धमनी के, है ना, उसी प्रकार दूसरा हो गया सीरा। तो सीरा सबसे पहले हृदय से जुड़े हुए जो सिराएं होते हैं उनको कहते हैं महाशिरा और शरीर के विविध अंगों की ओर जो रहते हैं वो कहलाते हैं सिरिकाएं, है ना, और पतली पतली जो नलिकाएं होती हैं वो कहलाते हैं वेन्यूल्स। तो इस प्रकार से हृदय और धमनी और सिराओं से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र जो है बना हुआ है, ठीक है, जिसमें प्रमुख अंग हो गया कौन, हृदय। हृदय या हार्ट, मनुष्य का जो हृदय है ना, शंक्वाकार खोखला संरचना है,
किस आकार का है? शंकुआकार खोखला संरचना, जिसकी स्थिति है वक्षी गुहा, है ना। ये वक्षी गुहा है, इसमें पसलियां हैं, पसलियों के बीचों बीच क्या पाया जाता है? हृदय, और उसके दोनों ओर हैं क्या? फेफड़े। ये जो हृदय जो है पूर्ण रूप से भारी आघात से सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? किसमें बंद है? वो पसलियों में बंद है। यदि ये पसलियां नहीं रहते तो हृदय जो है क्या हो सकता था? डैमेज हो सकता था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पसलियां उसकी क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है, उसको कवर की तरह घेर के रखे हैं। जैसे एक पंछी को क्या करते हैं, हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो मात्र पिंजरे के अंदर ही रहता है, वैसे ही हमारा हृदय और फेफड़े जो है ऐसे अंग है जो बहुत ही कोमल अंग है, स्पॉन्जी है, है ना, पेशियों से मिलकर बने हुए हैं। जो थोड़ा सा भी अगर उस पर आघात पहुंचाया जाए तो आसानी से वो नष्ट हो सकते हैं। तो उस आघात और उनको रगड़ से बचाने के लिए क्या क्या, कहाँ पर वो स्थित है, उनकी स्थिति कहाँ पर है? वक्षी गुहा में, पंजड़ियों पसलियों के बीचों बीच, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। प्रत्येक हृदय के चारों ओर का जो स्तर होता है वो कहलाता है उसका पैराइटल स्तर, और उस पैराइटल या अधावरणी, सॉरी, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहते हैं अधावरणी झिल्ली। उस अधावरणी झिल्ली के बीचों बीच एक द्रव भरा रहता है जिसको कहते हैं पैराइटल फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स क्या करता है? उसको बाहरी आघात से उसकी सुरक्षा करता है, बाहर से रगड़ और आघात से उसकी बचाव कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है कौन? हृदय, जिसकी जो है शंकु, जिसकी आकृति जो होती है वो शंकुआकार होती है, और कहाँ पर सुरक्षित है? हमारे वक्षी गुहा में, ठीक है। इसके चारों ओर अधावरणी झिल्ली पाई जाती है, और उसके जो बाहर जो स्तर पाया जाता है उसको पैराइटल स्तर कहते हैं, है ना। और उसमें कार्डियक जो फ्लूइड्स है या पेरिकार्डियम जो नामक द्रव जो भरा रहता है, वही पेरिकार्डियम द्रव उसको बाह्य आघात से उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। ये हृदय जो है विशेष प्रकार के हृदय पेशियों से मिलकर बना हुआ है, है ना। विशेष प्रकार के हृदय पेशियों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी विशेषता ये है कि ये कभी थकते नहीं है, है ना। मतलब हृदय हमारा शरीर का एक ऐसा अंग है जो बगैर थके लगातार कार्य कर रहा है, जबकि शरीर के सभी अंगों को आराम की आवश्यकता है हृदय को छोड़कर। हाथ को आप ज्यादा उपयोग करिए, आपके यहाँ पे मसल्स में जो है दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना। आँख को जो है ज्यादा समय तक आप खुला रखते हैं तो आँख की जो पेशियां हैं, आँख के चारों जो पेशियां हैं, है ना, वो पेशियों में दबाव होता है, और दबाव होने के कारण उसमें दर्द महसूस होता है, है ना। वैसे ही शरीर के समस्त अंगों में जो पाए जाने वाली जो पेशियां हैं, वो पेशियों में संकुचन और शिथिलन होता है, तो उसको कुछ क्षण के लिए आराम की आवश्यकता होती है। मतलब एक निश्चित दशा में रहेगा तो उस समय आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कठिन परिश्रम हो रहा है या कोई किसी अंग का जो है उपयोग ज्यादा हो रहा है तो उस समय उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जबकि हृदय एक ऐसा अंग है जिसमें ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें उसको आराम की आवश्यकता नहीं है, वो बगैर थके अनवरत जो है एक निश्चित दर से कार्य कर रहा है। तो इसकी जो भित्ति है, हृदय की जो भित्ति है, वो उस भित्ति में मुख्य रूप से तीन स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाह्य स्तर को कहा जाता है एपिकार्डियम स्तर। ये सब जो हृदय का जो है सबसे बाह्य स्तर होता है ना, सबसे बाहरी लेयर होता है जो हृदय संयुक्त तकों से मिलकर बना हुआ होता है, जो हृदय को जो है बाहरी आघात से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है मेसोकार्डियम, मेसोकार्डियम स्तर। ये मेसोकार्डियम स्तर जो है इसके मध्य स्तर, हृदय का जो है मध्य स्तर होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी जो पेशियां होती हैं विशेष प्रकार हृदय पेशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिसका नेचर ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार का होता है। मतलब इसमें जो पेशियां हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ऐच्छिक पेशियां भी होते हैं और अनैच्छिक पेशियां भी होते हैं। मतलब कुछ जो है इच्छा के अनुसार, और कुछ पेशियां जो है इच्छा के अनुसार ना चलकर स्वतः ही जो है नियंत्रित होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण स्तर होता है। इसी
मीजोकार्डियम स्तर के जो है दो प्रकार के गुण अर्थात ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों से मिलकर बने हुए होने के कारण हृदय में थकान नहीं होता और अनवरत जो है क्या करता है एक निश्चित दर से हृदय को रुधिर को जो है पंपिंग करने का कार्य करता है। ठीक है। और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम स्तर ये जो है हृदय का सबसे अंतिम या आंतरिक स्तर होता है। ये भी हृदय ये स्तर भी जो है संयोजकों से मिलकर बना हुआ होता है और इसका मुख्य कार्य होता है हृदय पेशियों का निर्माण करना। मतलब एंडोकार्डियम जो स्तर होता है किसका निर्माण करता है हृदय पेशियों का निर्माण करता है। और वो हृदय पेशियां क्या कर रहे हैं जिनकी नेचर किस प्रकार की होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की होती है जिसके कारण हृदय जो है लगातार बगैर थके उसमें संकुचन और शिथिलन हो रहा है जिसके कारण उसमें रुधिर बाहर से आ भी रहा है और वहां से रुधिर बाहर जा भी रहा है। बाहर से आ रहा है का मतलब अशुद्ध रुधिर जो हृदय में जाता है और वहां से हृदय से उसको कहां पंप कर दिया जाता है फेफड़ों में और फेफड़ों से पुनः जब रुधिर जो हृदय में आता है तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विविध अंगों में धमनियों के माध्यम से हृदय क्या करता है पुनः पंप करके सर्कुलेट कर देता है। इस प्रकार हृदय की जो चारों ओर पाए जाने वाली जो भित्ति है वो कितने लेयर का बना हुआ है होगा तीन लेयर का है ना तीन लेयर हो गया जिनका एक निश्चित वर्क है। अब देखते हैं हृदय की संरचना। हृदय की संरचना तो मनुष्य का जो हृदय है वो 12 सेंटीमीटर लंबा 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ना उसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर जो चार कोष्ठों से मिलकर बना हुआ है। कितने कोष्ठों से बना हुआ है चार कोष्ठ जिसमें से दो आलिंद है और दो निलय है। जो हमारे बाएं साइड में आलिंद है उसको बाया आलिंद जो दाया साइड में आलिंद है उसको दाया आलिंद उसी प्रकार जो दाया साइड में जो नीला है उसको दाया नीला है और बाई ओर जो नीला है उसको कहा जाता है दाया नीला है। इस प्रकार से कितने चैम्बर हो गए चार चैम्बर। हृदय की अगर वास्तविक स्थिति देखा जाए तो बक्षी गुहा में है लेकिन उसका जो पिछला लोब है वो बाई ओर झुका हुआ है मतलब बाई ओर झुका हुआ है इसलिए बाई ओर रुधिर का जो परिसंचरण जो है लगातार होता रहता है लेकिन दाई ओर नहीं होता और यही कारण है कि हम इस अंग का उपयोग ज्यादा करते हैं। इसका मतलब क्या है जैसे किसी वस्तु को उठाना है आपका दोनों हाथ है लेकिन आप कौन सा हाथ उठाओगे किसी वस्तु को उठाना है तो राइट को ही उठाओगे है ना दाया को ही उठाओगे बाया आपका नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा क्योंकि हमारा मतलब वो है हृदय की स्थिति हालांकि बीचों बीच है लेकिन फिर भी उसका लोब जो है किस ओर झुका हुआ है बाई ओर झुका हुआ है। इस बाई ओर झुके होने के कारण इधर रुधिर का जो परिसंचरण है वो लगातार हो रहा है निश्चित दर से लेकिन इस ओर जो है यदि ये अंग जो है कार्य करना कम कर दे तो उस कंडीशन में इस अंग में रुधिर का परिसंचरण जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से चार लोबों से मिलकर बना हुआ है हृदय जो है जिसमें से दो आलिंद हो गए और दो निलय। ठीक है। ये चार कोष्ठ हो गए जो प्रमुख है। अब यहां पर जो आलिंद है ना दाया आलिंद और दाया निलय के बीच वाल्व पाया जाता है मतलब कपाट पाया जाता है जो रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि वो तीन वलोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। उसी प्रकार बाया आलिंद और बाया निलय के बीच पुनः वाल्व होता है ना जिसकी वलनों की संख्या होती है दो तो इसलिए उसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। तो कहने का मतलब यह है कि आलिंद को निलय से और निलय को आलिंद से के में जो है रुधिर जब प्रवाह होता है तो निलय में आया हुआ रुधिर वापस आलिंद में न जाए इसके लिए वहां पर क्या पाए जाते हैं वाल्व होते हैं या कपाट होते हैं। वही कपाट के द्वारा चूंकि कपाट जो है एक ही ओर खुलते हैं आलिंद से निलय की ओर इसलिए कभी भी आलिंद निलय का रुधिर जो है वापस आलिंद में नहीं जाता। ठीक है। फिर दोनों आलिंद बाएं साइड में उपस्थित दोनों आलिंद और दाएं साइड में उपस्थित दोनों आलिंदों के बीच एक पट पाया जाता है जिसको कहते हैं सेप्टम। उस सेप्टम के द्वारा ये अलग होते हैं।
चलिए हृदय की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसकी मतलब रेखा चित्र को। ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है प्री केवल, या इसी को कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा इस तरह नीचे जो है वो कहलाता है पोस्टीरियर वेना केवा।
इसमें शरीर के ऊपरी भाग में जितने भी अशुद्ध रक्त होंगे उसको यहाँ पर लाया जाता है, और इससे शरीर के निचले भाग में जो जो भी अंग है उनके द्वारा जो अशुद्ध रक्त है उसको कलेक्ट करके यहाँ लाया जाता है। ये है आपका राइट ऑरिकिल और यह है राइट वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच यहां पर वाल्व है या कपाट है, इस कपाट को कहा जाता है ट्राई कस्पिड वाल्व। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर नीचे है लेफ्ट ऑरिकिल, यहां पर जो वाल्व है ये कहलाता है बाई कस्पिड वाल्व। ये हो गया आपका एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है ब्लड को भेजता है टू लेफ्ट लंग, और यहां पर फ्रॉम लेफ्ट लंग से जो है रुधिर कलेक्ट होकर वापस हृदय में आता है। यहाँ आप थोड़ा सुधार लेंगे, ये नली खुला रहेगा सर, है ना, रुधिर यहाँ जाएगा, यहाँ से जब पंप किया जाता है तो वापस इस ओर गमन करेगा, वहां से कलेक्ट होकर वापस यहाँ लाया जाता है। तो देख लीजिए रुधिर का मार्ग, देख लीजिए चार चेंबर हो गए है ना, राइट ऑरिकिल फिर राइट लेफ्ट ऑरिकिल, उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार लोब हो गया या चार कोष्ठ हो गया, ठीक है। इन चार कोष्ठों में से सबका अलग अलग फंक्शन होगा, तो ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिराएं दिख रही हैं महाशिरा है ना, ऊपर की ओर है, उसको प्री केवल कहा जाता है या फिर इन्फीरियर वेना केवा कहा जाता है, जिसके द्वारा शरीर के ऊपरी अंग, शरीर के ऊपर में कौन कौन से अंग है, हमारा मस्तिष्क है ना मस्तिष्क, फिर जो हमारे जो हाथ की शरीर के कोशिकाओं उपस्थित जो अंग है उनसे रुधिर कलेक्ट होकर कहाँ किसके माध्यम से अशुद्ध रुधिर आता है, प्री केवल या फिर पोस्ट इन्फीरियर वेना केवा से, कहाँ आएगा आलिन में। उसी प्रकार नीचे है पोस्टीरियर वेना केवा, इसमें हृदय के नीचे जितने भी अंग हैं, पैर से लेकर आपके ऊपर के जितने भी अंग हैं उसमें उपस्थित जो अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाया जाता है, नीलय में सॉरी राइट ऑरिकल में पहुंचाया जाता है ना, राइट ऑरिकल में पहुंचाया जाता है अर्थात आलिन में पहुंचाया जाता है। जैसे यहाँ पर रुधिर आएगा वैसे इसका वो क्या होगा, ये चूंकि एक थैलानुमा संरचना है ना, क्या होगा ये रुधिर से भर जाएगा। जब रुधिर से भर जाएगा तो इसमें एक विशेष संकुचन होता है, ठीक है, तो संकुचन होता है तो उस समय उसमें उपस्थित जो वाल्व है वो वाल्व खुल जाते हैं और इसमें भरा हुआ पूरा पूरा रुधिर कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, नीलय में आ जाता है, ठीक है, दाया
निलय में आ गया। अब दायां निलय में जैसे ही रुधिर आएगा तो इसकी झिल्ली जो है इसमें दबाव पड़ेगा, है ना। जब इसमें दबाव पड़ेगा तो इसमें संकुचन होगा, उस समय किस अवस्था में आ जाएगा, शिथिल अवस्था में। जब ये संकुचित था तब ये क्या था, शिथिल। लेकिन जब ये संकुचित होगा तो किस अवस्था में रहेगा, शिथिल अवस्था में रहेगा। तो जैसे ही इसमें संकुचन होगा तो रुधिर वापस इस आलिंद में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा, पल्मोनरी महाधमनी में जाएगा, है ना। क्यों जाएगा पल्मोनरी महाधमनी में, आलिंद में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाल्व है। कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व मात्र एक ही ओर खुलेगा, किस ओर, निलय से महाधमनी की ओर ही, सॉरी आलिंद से निलय की ओर ही खुलेगा, निलय से वापस आलिंद की ओर नहीं खुलेगा। इसलिए इसमें भरा हुआ पूरा रुधिर जो है कहाँ चला जाता है, महाधमनियों में। ये महाधमनी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, है ना। एक भाग बायां भाग में चला जाता है और एक भाग दायां भाग में। दायां भाग में जाने वाला जो पल्मोनरी जो धमनी है वो कहाँ जाएगा, किसको, रुधिर को सप्लाई करेगा, फेफड़े को। कौन से फेफड़े को, हमारे दाई ओर जो फेफड़े है उसको, है ना। उसी प्रकार बाई ओर के जो पल्मोनरी आर्टरी है या धमनी है वो रुधिर को कहाँ पहुंचाएगा, बाई ओर जो है स्थित फेफड़े में। अब दोनों धमनी जो है, पल्मोनरी महाधमनियां जो है क्या कर दिए, रुधिर को फेफड़े में छोड़ दिए, है ना। तो फेफड़े में क्या होगा, रुधिर का शुद्धिकरण होगा। जब रुधिर का शुद्धिकरण होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला हुआ है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर छोड़ दिया जाता है और रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रुधिर है, पुनः पल्मोनरी वेन्स, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा बाई ओर से और इधर दाई ओर से रुधिर को क्या करके करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके इसको पुनः कहां डालेंगे, ये जो है पूरे यहां से लेकर यहां तक का जो संरचना जो दिखाई दे रहा है यहां से, है ना, ये पूरा क्या है, ऑरिकल का आलिंद का भाग है। मतलब ये भी क्या है, ऑलिंद है। तो इस आलिंद में जो है सर्कुलेट किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, है ना। और जैसे ही आलिंद में आएगा वैसे ही इसकी झिल्ली जो है भर जाएगी, और जब ये भर जाएगा तो इसमें संकुचन होगा, और संकुचन के परिणाम स्वरूप इसमें भरा हुआ पूरा पूरा रुधिर बाइकस्पिड वाल्व को पार करके कहां जाएगा, बाया निलय में, ठीक है। अब बाया निलय में जैसे ही रुधिर आएगा उसी समय यहां पे दायां निलय में भी रुधिर आएगा, लेकिन इसमें शुद्ध रुधिर रहेगा और इसमें अशुद्ध रुधिर रहेगा, अंतर यही होगा, ठीक है। जिस समय इसमें संकुचन हो रहा है उस समय इसमें भी संकुचन होगा। तो जब इसमें संकुचन हो रहा है तो इसमें भरा हुआ पूरा रुधिर कहां चला जाएगा, महाधमनी में, एओर्टा में चला जाएगा। जबकि इसमें भरा हुआ रुधिर कहां चला जाएगा, पल्मोनरी धमनी में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो जिस समय ये संकुचित होंगे, आलिंद संकुचित होंगे, उस समय एक ही अवस्था में रहेंगे, शिथिल अवस्था में रहेंगे। और जब ये शिथिल अवस्था में रहेंगे, ये जो है शिथिल अवस्था में रहेंगे, तब ये संकुचित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया जो है लगातार चलता रहता। तो यहाँ पे भरा हुआ रुधिर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा निलय में, बाया निलय में, वैसे ही बाया निलय में संकुचन होगा और ये वाल्व को पार करके पूरा रुधिर जो है कहाँ चला जाएगा, महाधमनियों में। महाधमनियों में जाकर कई शाखाओं में विभक्त हो जाएगा, शरीर के ऊपरी अंगों में और फिर शरीर के निचले अंगों में। इस प्रकार से रुधिर का क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। तो यहाँ पर इसको कर लीजिए लेफ्ट और इक्कील, है ना, यहां पर इसको सुधार लेंगे। अब ये दो आलिंद है, निलय है, है ना, और आलिंद है, इनके बीच ये जो है आपको एक पट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं सेप्टम। ये सेप्टम के द्वारा दोनों आलिंद और दोनों निलय एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, उनकी थलियां आपस में कभी भी नहीं चिपकते, ठीक है। ये तो फिर दोनों संकुचन हो रहा है, दोनों में शिथिलन हो रहा है, उस समय क्या हो जाता है, दोनों थैलियां आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण एक स्थिति ऐसी आती है कि झिल्ली फट जाता, मतलब ये जो हृदय की जो पेशियां हैं वो डैमेज हो जाते हैं, है ना। तो जब इसकी पेशियां जो है डैमेज हो जाते तो उस सिचुएशन में जो है रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाता, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका शरीर में पाया जाने वाला रुधिर परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग, क्या, हृदय की संरचना, ठीक। तो आज आपने एक चीज और इसमें बताना था, चलिए उसको अगला कालखंड में देख लेंगे।
है ना, रुधिर का मार्ग। तो आज रुधिर पर शरीर में द्रवों के परिसंचरण, द्रवों का परिसंचरण के अंतर्गत कशेरुकी जंतुओं में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, उनकी हृदय की कितनी कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है, फिर मनुष्य का परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, धन्यवाद।